सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। दोस्तों, आपने कभी ना कभी जिन या फिर जिन्नात के बारे में जरूर सुना होगा। कहा जाता है कि आज भी इस दुनिया में जिन हमारे बीच रहते हैं। तो आज की स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम शहनाज था। उसे कहीं ना कहीं अपनी खूबसूरती पर घमंड था। जो कोई भी उसको एक बार देख लेता था तो उसकी आंखें बंद ही नहीं होती थी। नवंबर का महीना था और ठंड भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। उसी दिन शाम के करीब 7 बजे शहनाज अपनी छोटी बहन के साथ सब्जी लेने मार्केट गई हुई थी। लेकिन उस दिन काफ़ी भीड़ होने के कारण उसे टाइम का पता नहीं चल पाया और देखते ही देखते रात के करीब 9 बज चुके थे। और आप सभी को पता होगा कि ज़्यादातर गांव के लोग 9 बजते बजते सो जाते हैं। शहनाज की छोटी बहन जिसका नाम गुलजार था वो बस 10 साल की थी। तो रात ज़्यादा हो जाने के कारण गुलजार को डर लग रहा था, इसलिए शहनाज जल्द से जल्द अपने घर पहुँचना चाहती थी, जिस वजह से वो एक शॉर्टकट ले लेती है। और वो रास्ता काफ़ी सुनसान था, लेकिन शहनाज को भूत प्रेत के बातों पर यकीन नहीं था। लेकिन वो रात शहनाज पर भारी पड़ने वाली थी। रात के करीब 9:30 बज चुके थे और वो जल्द से जल्द अपने घर के तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक से बारिश होने लगती है, जिसके बाद वो दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बारिश के ख़त्म होने का वेट करने लगते हैं। वो दोनों पूरी तरह से भीग गए थे और कुछ देर बाद ही बारिश ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद शहनाज अपने बालों को खोल देती है ताकि घर जाते जाते उसके बाल सूख जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। और कुछ दूर जाते ही शहनाज को ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन जब वो अपने आसपास देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसे एक लड़का दिखाई देता है जो पेड़ के सामने खड़ा था। उस लड़के की आंखों में एक अलग सा अट्रैक्शन था और उसको देखते ही शहनाज के जान में जान आ जाती है, जिसके बाद वो उस लड़के से कहती है कि तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। और इसके बाद वो तीनों घर की तरफ चल देते हैं। लेकिन रास्ते में शहनाज उस लड़के से उसके घर के बारे में पूछती है, जिस पर वो लड़का कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो इसी जगह पर कल शाम को 6 बजे आ जाना, जिसके बाद वो लड़का उन दोनों को उनके घर तक छोड़ देता है। दरअसल शहनाज को नहीं पता था कि वो लड़का असल में एक जिन्नात था, और घर जाते ही शहनाज खाना खाकर सोने चली जाती है। और उस रात उसके मन में बार बार उसी लड़के का ख्याल आ रहा था। और अगले शाम ठीक 6 बजे शहनाज अच्छे से तैयार होकर उस लड़के से मिलने चली जाती है, और वो लड़का वही उसका इंतज़ार कर रहा था। दरअसल उस लड़के का नाम मोहसिन था और कुछ ही दिनों में उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। इस बात को करीब 1 महीना हो चुका था, जिसके बाद मोहसिन शहनाज से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिस पर शहनाज चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाई। और कुछ दिनों बाद ही उन दोनों की शादी हो जाती है। अब तक शहनाज और उसके परिवार वालों को उस लड़के के सच्चाई के बारे में नहीं पता था, लेकिन शादी के बाद से उसके घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोगों ने भी उसके घर आना बंद कर दिया था। लेकिन एक दिन रात के वक्त शहनाज अपने रूम में जब सो रही थी, तब करीब रात के 2 बजे अचानक मोहसिन की नींद टूट जाती है और वो घर से बाहर कब्रिस्तान की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते में शहनाज के चाचा मोहसिन को देख लेते हैं, और जो उन्होंने देखा वो काफ़ी डरावना था। उस समय मोहसिन का चेहरा काफ़ी भयानक लग रहा था और वो इंसानी हड्डी चबा रहा था। और तभी अचानक से मोहसिन की नज़र शहनाज के चाचा पर पड़ती है, जिसके बाद वो वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल मोहसिन उनके सामने खड़ा था। अब वो समझ चुके थे कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नात है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और अगले ही पल मोहसिन शहनाज के चाचा का गला दबाकर उनको मार देते हैं। और
अगले ही दिन ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी कि रात के समय किसी जानवर ने एक इंसान को मार दिया। और जब ये बात शहनाज को पता चली कि मरने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके चाचा थे, तो उन्हें इस बात पर हल्का सा भी यकीन नहीं हो रहा था। इस हादसे के करीब 3 दिन बाद रात के समय शहनाज की छोटी बहन गुलजार पानी पीने के लिए उठती है कि तभी उसे दिखाई देता है कि मोहसिन किसी परछाई से बात कर रहा है। और जैसे ही गुलजार ने मोहसिन को देखा, तब वो परछाई वहाँ से गायब हो जाती है। और ये देखते ही वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन अगले ही दिन गुलजार ये बात अपने मम्मी पापा को बता देती है। लेकिन जब ये बात शहनाज को पता चलता है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है, क्योंकि वो मोहसिन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और शहनाज को इस बात पर हल्का सा भी यकीन नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद से शहनाज के फैमिली में एक एक करके लोग बीमार पड़ने लगे थे। और देखते ही देखते शहनाज के मम्मी पापा की अजीबोगरीब तरीके से मौत हो जाती है। अब उसके घर में मोहसिन, शहनाज और उसकी छोटी बहन गुलजार बचे हुए थे। लेकिन अगले ही दिन गुलजार अपने नानी के पास चली जाती है और वहाँ जाकर वो मोहसिन के बारे में सारी बातें अपनी नानी को बता देती है। और ये बात सुनकर शहनाज की नानी समझ चुकी थी कि मोहसिन कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात का एक रूप है, जिसने इंसान के वेश में आकर शहनाज को अपने वश में करके रखा है। और वही दूसरी तरफ शहनाज मोहसिन के साथ खुशी खुशी रह रही थी। उसे नहीं पता था कि वो जिस शख्स के साथ रह रही है, वो एक इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नात था। अब उस गांव में भी लोगों को ऐसा लगने लगा था कि मोहसिन एक जिन्नात है, क्योंकि जब से शहनाज के मम्मी पापा की मौत हुई थी, उस दिन के बाद से उसके घर से ना ही कोई निकलता था और ना ही कोई उसके घर जाता था। और रात होते ही उसके घर से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आनी शुरू हो जाती थी। शहनाज के नानी को इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जिन शहनाज को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाए। लेकिन उन्हें जिस बात का डर था, ठीक वैसा ही होने वाला था। और एक दिन मोहसिन अपनी वाइफ शहनाज से कहता है कि क्या तुम अपने अम्मी अबू से मिलना चाहती हो, जिस पर शहनाज हाँ कह देती है, क्योंकि मोहसिन ने शहनाज को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा था। और जिसके बाद शहनाज उसके पीछे पीछे चलने लगती है। और उस वक्त रात के करीब 3 बज रहे थे और वो दोनों ठीक उसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां पर कुछ महीने पहले वो दोनों मिले थे। लेकिन उस जगह पर पहले से ही गुलजार अपने नानी और गांव के कुछ लोगों के साथ पहुंच चुकी थी और उनके साथ एक मौलवी साहब भी वहां मौजूद थे। और जैसे ही मौलवी साहब ने मोहसिन को देखा, तभी वो समझ गए थे कि ये लड़का एक जिन्नात का रूप है, जिसने इंसान का रूप लेकर शहनाज को अपने वश में कर रखा है। और इसके बाद मौलवी साहब कुरान पाक से कुछ आयत पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिससे मौलवी साहब उस जिन को अपने काबू में कर लेते हैं। और अगले ही पल शहनाज बेहोश हो जाती है। लेकिन जब अगले सुबह उसे होश आता है, तब उसे मालूम चलता है कि वो लड़का जिससे उसकी शादी हुई थी, वो इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नात था। और जिसके बाद से उसके लाइफ में सब कुछ पहले जैसा हो गया था। Thank you.